गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम ट्रांसफार्मर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम ट्रांसफार्मर की मूल परिभाषा, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत और ट्रांसफार्मर की मूल संरचना के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक यानी ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण और ट्रांसफार्मर गुणांक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जब भी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो मूल संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस भी करा था, यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे एक क्रोड है, इस क्रोड के ऊपर दो वाइंडिंग बंधी हुई रहती है, एक तो ये और एक इस साइड में। इन दोनों वाइंडिंग को, इस वाइंडिंग को तो हम लोग प्राथमिक कुंडली के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग द्वितीय कुंडली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली है उसको हम लोग सप्लाई देते हैं, तो अगर हम लोग जो सप्लाई है उसकी कोई वैल्यू मानते हैं, जैसे मैंने माना कि जो सप्लाई दी गई वैल्यू है वो कितनी है, V1 वोल्ट है, और जो आउटपुट में मेरे को वोल्टेज मिल रही है वो कितनी है, V2 वोल्ट है। ठीक है, और इस वोल्टेज के कारण जब हमने सप्लाई दी तो यहाँ पे जो प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल है उसको हम लोग E1 बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम लोग E2 बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब हमने सप्लाई दी तो यहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित होएगी, उस धारा को हमने प्राथमिक धारा को तो बोल दिया I1, और द्वितीयक जो धारा है उसको हमने बोल दिया I2। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या चीज़ें लिख रहा हूँ। इनको जैसे अगर अपन ने एक बार लिख के भी देख लेते हैं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि E1, E2, I1 और I2, इनके बारे में मैंने बताया है। ये क्या है, प्राथमिक प्रेरित EMF, ठीक है, और यहाँ पे E2 क्या है, द्वितीयक प्रेरित EMF, ये क्या है, प्राथमिक धारा, और ये क्या है, द्वितीयक धारा। ठीक है, अब जैसे हमने जो कुंडली यहाँ पे बांधी है प्राइमरी साइड में या प्राथमिक साइड में, अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये जो मैंने कुंडली बांधी है उसके घेरों की संख्या N1 है, और यहाँ पे जो घेरों की संख्या यानी सेकेंडरी साइड में क्या है, N2 है ना, तो N1 तो क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली के घेरों की संख्या, घेरों की संख्या, और N2 क्या हो गया, द्वितीयक कुंडली के घेरों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो द्वितीयक कुंडली है यानी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो किसके कारण प्रेरित हो रहा है, वो एक फ्लक्स के कारण प्रेरित हो रहा है, जो फ्लक्स किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इस प्राइमरी वाइंडिंग के कारण। ठीक है, तो अगर हम लोग उस फ्लक्स का मान अगर हम लोग फाई एम रख लेते हैं, फाई एम क्या है, ये उस फ्लक्स का अधिकतम मान है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका लिखते हैं नाम, क्या लिख रहे हैं, मैं फ्लक्स का अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और कि हम जब भी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर जो उपकरण होता है वो बेसिकली किस प्रकार की सप्लाई के ऊपर काम करता है, वो बेसिकली AC के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनपुट सप्लाई को बनाना चाहें तो इनपुट के अंदर कौन सी सप्लाई रहेगी, जैसे मैंने बताया कि AC सप्लाई रहेगी। ठीक है, ये जैसे ये इसके इनपुट की अगर सप्लाई है तो
ये पूरे जैसे ये एक धनात्मक और एक ये ऋणात्मक आयाम से मैंने क्या बनाई है, इनपुट सप्लाई बनाई है। ये इनपुट सप्लाई एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयाम से मिलके ये क्या बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं चक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, चक्र। और एक चक्र को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग एसी थ्योरी यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि टी समय के अंदर एक चक्र पूरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर अपन आवृत्ति निकालते तो आवृत्ति कैसे लिखते हैं हम लोग, आपको ध्यान होगा, एक बटा टी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो धारा की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू जीरो से बढ़ते हुए अधिकतम पे जाती है, फिर जीरो पे जाती है, फिर माइनस में जाती है और फिर जीरो पे जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे धारा की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी ना, वैसे वैसे एक और चीज़ की वैल्यू भी चेंज हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था। वो कौन सी चीज़ थी, अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो किसके कारण प्रेरित हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उसके कारण प्रेरित हो रहा है। यानी वहाँ पे क्या चीज़ थी जो प्रेरित कर रही थी, वो एक तरीके से फ्लक्स था जो प्रेरित कर रहा था इसके अंदर विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है, आपने पता है कि कभी भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रांग होना या वीक होना किस पे निर्भर करता है, धारा के मान के ऊपर। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे जीरो अगर मान है धारा का, तो यहाँ पे जो फ्लक्स का मान रहेगा वो जीरो रहेगा और अधिकतम पे अधिकतम रहेगा, फिर शून्य पे वापस शून्य रहेगा। यानी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन ने धारा बनाई, सेम वैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा और घट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो अधिकतम फ्लक्स का मान है ना, ये अधिकतम फ्लक्स का मान कब आएगा, ये अधिकतम फ्लक्स का मान तब आएगा जब धारा का मान अधिकतम होगा, यानी इस जगह पे ये क्या वैल्यू आएगी, फाई एम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जैसे आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल कैसे प्रेरित हुआ, ये प्रेरित हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार। ठीक है, तो वो नियम क्या कहता है, उस नियम के अंदर अगर अपन विद्युत वाहक बल का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो ईएमएफ है ना वो उत्पन्न हुआ है कैसे, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण। ठीक है, यानी अगर हम लोग किसी भी एक टर्न के अंदर, ठीक है क्या बोल रहे हैं हम लोग, किसी एक टर्न में, प्रेरित ईएमएफ का मान निकालना चाहें, किसका निकाल रहा हूँ मैं, ईएमएफ का मान निकालना चाहूँ, तो ईएमएफ का मान क्या रहेगा, ईएमएफ में भी अपन क्या करते हैं कि भाई पूरी साइकिल का निकालने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये जो क्वार्टर साइकिल है ना, यानी जो आधी साइकिल है उसके भी आधे भाग का अगर हम लोग ईएमएफ का मान निकालना चाहें, तो क्वार्टर साइकिल के अंदर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, क्योंकि पूरी साइकिल के अंदर अगर टी समय लग रहा है तो क्वार्टर में लगेगा टी बाय फोर, क्योंकि हमने क्या करा, पूरी साइकिल को चार हिस्सों के अंदर बांट लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर टी बाय फोर समय है तो आवृत्ति कितनी होगी, अगर हम लोग आवृत्ति निकालेंगे तो आवृत्ति आएगी अपने पता है 1/4f। ठीक है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अगर मैं क्वार्टर एक टर्न के अंदर, क्वार्टर साइकिल के अंदर अगर विद्युत वाहक बल निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं, प्रेरित ईएमएफ निकाल रहा हूँ, कौन सा है ये, औसत विद्युत वाहक बल, क्या है, औसत विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो से बढ़ता हुआ कहाँ तक पहुँच रहा है, फाई एम तक पहुँच रहा है। ठीक है, यानी जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, नियम के अनुसार क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम लोग विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन कितना हुआ, जीरो था, कहाँ तक पहुँचा, फाई एम तक पहुँचा। ठीक है, यानी परिवर्तन को अगर अपन लिखना चाहें तो परिवर्तन कितना होएगा, परिवर्तन होएगा फाई एम माइनस ऑफ जीरो। ठीक है, क्या होएगा, फाई एम माइनस ऑफ जीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, फाई एम माइनस जीरो बटा समय। ठीक है, समय कितना है, यहाँ पे समय है टी बटा चार। ठीक है, और टी बटा चार को अगर हम लोग, भाई क्या हो रहा है, ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दोनों चीज़ों को अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इसको लिखा अगर अपन ने सॉल्व करा तो क्या वैल्यू आई, फाई एम वैल्यू आई, और
यहाँ पे इसको यानी इस समय को अगर अपन आवृत्ति से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5m/4f। ठीक है, इसको और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो EMF का मान आ जाएगा एक तरीके से 4f5m। क्या आ जाएगा, 4f5m। ठीक है, अब इसको जैसे आगे सॉल्व करते हैं तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला, ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स, ये जो EMF है ना, ये EMF कौन सा EMF है, ये EMF है एक टर्न के अंदर औसत विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी औसत EMF है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने AC सप्लाई दी है तो अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग AC सप्लाई देते हैं तो हम लोग कभी भी औसत मान के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम लोग किस हिसाब से करते हैं, हम लोग प्रभावी मान यानी EMF के RMS वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो EMF है जो कि कौन सा है, एवरेज है, इसको हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, RMS वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब RMS वैल्यू के अंदर कन्वर्जन के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि कौन सा था, आपने पता होगा कि फॉर्म फैक्टर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, फॉर्म फैक्टर। उस फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को ध्यान होगा कि ये फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू, कौन सा, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, कौन सा, एवरेज वैल्यू। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे एक मान आता है जिसको हम लोग लिखते हैं 1.11 से। ठीक है, यानी इस समीकरण का और इस समीकरण का अगर अपन उपयोग करके RMS EMF का मान निकालना चाहें तो RMS EMF क्या होएगा, एक टर्न का। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सब सिर्फ एक टर्न का निकाल रहे हैं, तो एक टर्न का RMS EMF अगर अपन निकालेंगे तो इस समीकरण से कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4f5m हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा यहाँ पे, ये 1.11 को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर अपन वज्र गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, RMS वैल्यू इक्वल्स टू 4 को अगर 1.11 से हम लोग गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.44f5m। ठीक है, ये समीकरण होता है किसका, RMS वैल्यू का, किसका, विद्युत वाहक बल का। ठीक है, अब ये मैंने क्या बताया, ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसका है, एक टर्न का। अब क्योंकि प्राइमरी साइड के अंदर N1 टर्न है और सेकेंडरी साइड के अंदर N2 टर्न है तो अपने को सिर्फ एक टर्न से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी वाइंडिंग या पूरी की पूरी कुंडली का विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर अपन पूरी विद्युत वाहक बल, पूरी कुंडली का विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्योंकि ये एक टर्न का है, ठीक है, तो अगर अपने को पूरी कुंडली का निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक का है तो एक से गुणा हो रहा होगा, अगर पूरी का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी घेरे हैं उससे हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी अगर मैं प्राथमिक कुंडली के पूरी कुंडली का अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, विद्युत वाहक बल निकालना चाहूँ, कौन सा है, ये RMS वैल्यू है, तो पूरी की पूरी कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होगा, इस संख्या को 4.44f5m को हम लोग किससे गुणा कर देंगे, इसके घेरों से। ठीक है, प्राथमिक के कितने घेरे हैं, अपने पता है प्राथमिक कुंडली के जो घेरे हैं वो कितने हैं, N1। ठीक है, और ये जो विद्युत वाहक बल है ये प्राथमिक कुंडली का हम लोग किससे लिख रहे थे, E1 से लिख रहे थे। तो यहाँ पे ये किसका मान आ जाएगा, E1 का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग द्वितीयक कुंडली का निकालना चाहें ना, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, द्वितीयक कुंडली का, तो द्वितीयक कुंडली के अंदर क्या होएगा, हम लोग इसी EMF को किससे गुणा करेंगे, जो इसके घेरे हैं, किसके, सेकेंडरी साइड या फिर द्वितीयक कुंडली के। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको
ई टू बराबर 4.44 एफ फाई एम गुणा एन टू। ठीक है, ये समीकरण जो होता है, इस समीकरण को हम लोग विद्युत वाहक बल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये तो प्राइमरी साइड का और ये किसका हो गया, सेकेंडरी साइड का। ठीक है, क्या है ये, विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, अब जैसे इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, ये तो कौन सा है, प्राथमिक कुंडली का। इसको हम लोग जैसे समीकरण का कोई नाम देते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना इसके अंदर, वो आता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर गुणांक का। क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर गुणांक का। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर गुणांक की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में इसका भाग दे देंगे या फिर इसमें इसका भाग दे देंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण दो में एक का भाग देने पर हमें क्या सब मिलेगा, हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका भाग दे रहे हैं, तो जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, E2 बटा E1 बराबर 4.44 एफ फाई एम एन टू बटा 4.44 एफ फाई एम एन वन। ठीक है, आप क्या नोट कर रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर और नीचे सेम है, यानी ये दोनों के दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और मेरे पास जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1। ठीक है, ये जो संख्या है, ये जो समीकरण है, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मर गुणांक बोलते हैं, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग, K से प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे निकाला मैंने क्या करा, इस दूसरे समीकरण के अंदर पहले समीकरण का भाग दे दिया और सिंपल इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जैसे आगे अगर हम लोग बात करें इसका, इसकी ठीक है, ये दोनों चीजें तो क्या है, हमने सिंपल निकाल ली। अब कई बार हमसे क्या होता है कि इनके साथ धारा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप धारा की टर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मर गुणांक को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए, हम लोग जब इसकी ट्रांसफॉर्मर की मूल विशेषता या फिर मूल जब हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ के अंदर शक्ति का स्थानांतरण करता है, और वहाँ पे दो चीज़ों को कांस्टेंट रखता है। कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रख रहा था, वो एक तो आवृत्ति और एक शक्ति। ठीक है, तो अगर हम लोग धारा की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो दूसरी वाली बात करी थी अपन ने, किसकी बात कर रहे थे, शक्ति को वो क्या कर रहा था, कांस्टेंट रख रहा था। ठीक है, तो अगर शक्ति को कांस्टेंट रख रहा था, तो जो प्राइमरी साइड की अगर अपन शक्ति निकालेंगे, यानी कौन सी, प्राथमिक शक्ति, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्राथमिक शक्ति और क्या, द्वितीयक शक्ति, दोनों की दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, द्वितीयक शक्ति दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब शक्ति के अगर अपन फॉर्मूले की बात करते हैं, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पावर की फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती है वी गुणा आई। क्या होती है, वी गुणा आई। ठीक है, अब प्राथमिक शक्ति की अगर आप बात करोगे, तो प्राथमिक शक्ति क्या होगी, प्राथमिक शक्ति होगी, प्राथमिक जो कुंडली है ना, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल गुणा उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, तो अपन ने भी जब डायग्राम बनाया, तो वहाँ पे क्या बताया था कि जो प्राथमिक के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, E1 बोल रहे थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और वहाँ पे धारा क्या थी, I1 थी। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम प्राथमिक शक्ति की बात करेंगे, तो प्राथमिक शक्ति क्या लिखेंगे हम लोग, E1 गुणा I1। ठीक है, ऐसे द्वितीयक साइड के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था, वो क्या था, E2 था, और इसकी जो धारा थी वो कितनी थी, I2 थी। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो
इस टर्म के अंदर हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो E1 को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं और I1 को इस साइड भेजते हैं, वज्र गुणा करने पे मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, E2 बटा E1 किसके बराबर रहेगा, ये I1 बटा I2। ठीक है, अब अगर हम लोग इस समीकरण को इस समीकरण से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो फाइनल अपने पास फॉर्मूला आता है ट्रांसफार्मर गुणांक का वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ना E2 बटा E1 को हमने ऐसा का ऐसा लिखा, ये किसके बराबर है, N2 बटा N1 के। ठीक है, और E2 बटा E1 किसके बराबर है, ये I1 बटा I2 के भी बराबर है, और ये पूरी की पूरी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर गुणांक। ठीक है, ट्रांसफार्मर गुणांक का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर गुणांक का सिर्फ सिंपल सा ये काम रहता है कि अगर हमें एक साइड की या तो प्राथमिक या द्वितीयक साइड की कोई भी एक वैल्यू दे दी जाती है, जैसे अगर अपने को E1 की वैल्यू दे दी और ट्रांसफार्मर गुणांक की वैल्यू दे दी तो अपन इजी गोइंग तो दूसरी वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और अपने को पता चलती है, सिर्फ इस K की वैल्यू से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो ट्रांसफार्मर उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी वोल्टेज है ना वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग जैसे बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से हमने बात करी थी अभी जस्ट, कि जो ट्रांसफार्मर रहता है या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, तो अगर वो वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा, तो अपन एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर अपन किसी भी ट्रांसफार्मर के इनपुट के अंदर अपन ने क्या दी, 110 वोल्ट दी और उसको आउटपुट के अंदर क्या मिला अपने को, ये 220 मिला। एक तो ये केस ले लिया अपन ने, और दूसरे केस के अंदर अगर अपन देखें, एक तो ये केस लिया, दूसरा केस अपन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं 220 इनपुट के अंदर देते हैं और आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, 110 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों केसेस का यानी फर्स्ट केस का जैसे अगर अपन ट्रांसफार्मर गुणांक निकालेंगे तो फर्स्ट केस का ट्रांसफार्मर गुणांक क्या होगा, K बराबर E2 बटा E1 अपने को करना है, तो E1 E2 कितना है, E2 यानी सेकेंडरी साइड के अंदर क्या है 220 है और प्राइमरी साइड के अंदर जो वोल्टेज है वो कितनी है 110 है, और जो इसकी वैल्यू आएगी अगर आप सॉल्व करोगे 2/1 यानी K की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं सेकेंड केस की अगर बात करूँगा तो K बराबर क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा E2 बटा E1, पर इस केस के अंदर E2 क्या है, 110 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनपुट में मैंने 220 दी है और आउटपुट में क्या मिल रहा है मेरे को, 110 मिल रहा है, यानी वोल्टेज जो है ना वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, यानी अगर अब इन चीज़ों को अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 110 बटा 220 आएगी, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। यहाँ पे आके एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो दोनों में से अगर आप देखोगे तो 1 से बड़ी कौन किस केस में है, इस केस के अंदर है, इस केस के अंदर है, तो अगर बाई चांस K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर वोल्टेज को आउटपुट के अंदर बढ़ा कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस ये आएगा कि अगर K की वैल्यू 1 से छोटी है, जो कि किस केस में है, दूसरे केस के अंदर है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेप डाउन का मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज है उसको क्या कर रहा है, घटा के दे रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के दो प्रकार भी होते हैं, हम लोग जैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को भी पढ़ेंगे कि जो वोल्टता के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। कैसे पता चला, सिर्फ इस चीज़ से पता चल गया कि जो K की वैल्यू है ना अगर बाई चांस 1 से ज़्यादा है तब तो वो क्या हो गया, स्टेप अप हो गया, और बाई चांस स्टेप डाउन है तो उस केस में K की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आई होगी। ठीक है,
आज हमने क्या क्या दो चीज़ें पढ़ी, हमने एक तो विद्युत वाहक बल समीकरण पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, हमने दूसरा पढ़ा है ट्रांसफार्मर गुणांक क्या होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। विद्युत वाहक बल समीकरण का वैल्यू क्या आई थी अपने को याद होगा, अभी जस्ट अपन ने सॉल्व कराया, वो होता है AMF बराबर क्या होता है 4.44 FIM गुणा N, ठीक है। अब N की जगह अगर आपको प्राथमिक की विद्युत वाहक बल निकालना है तो आप वहाँ पे N1 लिखोगे, और बाई चांस द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल निकालना है तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, N2 लिखोगे, ठीक है। अगर उस समीकरण को मैं वापस लिखना चाहूँ तो वो समीकरण क्या था, वो समीकरण था अगर अपने को ध्यान हो अभी जस्ट लिखा अपन ने, तो समीकरण क्या था, प्राइमरी साइड का अगर मैं लिखना चाहूँ तो EMF की वैल्यू क्या है, RMS वैल्यू है जो कि क्या है 4.44 FIM N1, ठीक है। N1 क्या है, प्राइमरी साइड का क्या है, ये प्राइमरी साइड की टर्न की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो φm होता है ना, इस φm को मैंने क्या बोला था, ये φm अधिकतम फ्लक्स की संख्या है, ठीक है, अधिकतम फ्लक्स का मान है, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स होता है ना, इस फ्लक्स का एक फॉर्मूला भी होता है, इसको अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, φm बराबर bm गुणा e, ठीक है। यहाँ पे bm क्या है, ये फ्लक्स का घनत्व है, क्या है, ये फ्लक्स का घनत्व, ठीक है। और a क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल के अंदर इसका घनत्व, यानी कोई भी जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके अंदर क्या है, ये घनत्व, ठीक है। तो अगर आपको कई बार ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अंदर फाइव एम की जगह ये चीज़ भी लिखी हुई आ सकती है, ठीक है। यानी ये समीकरण है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसे, 4.44 F φm की जगह क्या लिखा रहेगा, bm गुणा a, और यहाँ पे क्या रहेगा, या तो n1 रहेगा या फिर n2 रहेगा, दोनों किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, ये n1 आएगा कि n2, इस चीज़ पे निर्भर कर रहा है कि आप प्राइमरी साइड का EMF निकाल रहे हो या सेकेंडरी साइड का, ठीक है। आज अपन ने दोनों टॉपिक कंप्लीट करें, होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।